गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में। दोस्तों ये जो वैकेंसीज आई है ये आई है अमरावती जिला परिषद से, और ये जो प्रोग्राम है नेशनल हेल्थ मिशन के तौर पे ये वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड नंबर की पोस्ट यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, आरोग्य सेवक यानी कि मल्टीपर्पज वर्कर। अभी जो महाराष्ट्र में भर्ती चल रही है उस महाराष्ट्र की भर्ती में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स मांगा जा रहा है। इसी के रिगार्डिंग अभी ये जो वैकेंसीज आई है तो आपको यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं थर्ड नंबर की पोस्ट देखिए, यहाँ पे आपको 12th पास इन साइंस, पैरामेडिकल बेसिक ट्रेनिंग कोर्स और सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स आपके पास होना जरूरी है। तो अगर आप 12th पास है और आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स है तो आप इस पोस्ट के लिए 35 पोस्ट है यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, एससी की 5, एसटी कैटेगरी की 2, वीजीए की 1, एनटीडी की 1, एनटीसी की 1, एनटीडी की 1, एसबीसी के लिए 1 पोस्ट है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और ओपन कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। एज क्राइटेरिया की बारे में बात की जाए तो 38 टू जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 43 तक के एज क्राइटेरिया दे रखा है। सैलरी की बात करी जाए तो 18,000 सैलरी देने वाले है जो लोकल जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनके लिए बेस्ट हो जाता है। अमरावती कॉर्पोरेशन में 12 लोगों की पोस्टिंग रहेगी, अचलपुर में 3 लोगों की, अंजनगांव सुरजी में 3 लोगों की, भातकुली में 1 लोगों की और चांदूर भुरिया के लिए 1। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे डिटेल्स दे रखी है। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आपको इसका डाउनलोड कर लेना है। ओके, यहाँ पे इनका लिंक दे रखा है इन्होंने, इस वेबसाइट पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको जो फॉर्म फिलअप करने कर लेना है वो है आपको ऑफलाइन फॉर्म सेंड करना है। दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है और ऑफलाइन फॉर्म आपको ये जो इन्होंने एड्रेस दे रखा है राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिला कार्यालय जिला परिषद अमरावती, यहाँ पे जाके आपको क्या करना है पोस्ट कर देना है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपको अर्ज करने के लास्ट डेट जो है वो 10 सितंबर तक के ही आप वहां पे फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए पोस्ट से। इसका चालान भी रहने वाला है, चालान जो है यहाँ पे इन्होंने चालान भी दे रखा है, जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए चालान रहेगा। चालान जो है वो जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 100 रुपीज चालान रहेगा, जो कैटेगरी के है ओबीसी एससी एनटी जो भी कैटेगरी के है, और जो ओपन कैटेगरी के है खुला प्रवर्ग उनके लिए 150 रुपए चालान यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों तो ये जो चालान है आपको डिमांड ड्राफ्ट से फिलअप करना है, डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना है और चालान भर लेना है। ये जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने कह दिया है यहाँ पे कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन मार्क्स रहेंगे, आपके जो मार्कशीट पे मार्क्स रहेंगे उसके आधार पर आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। एक्सपीरियंस पे भी मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस पे भी आपको 20 गुण मिलने वाले हैं, टोटल 100 मार्क्स का ये आपका एवरेज निकाला जाएगा। तो अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स हो चुका है तो जरूर अप्लाई कीजिए। महाराष्ट्र के पीपल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली अगर कहा जाए तो इसमें मराठी जो है मराठी आना इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप अगर महाराष्ट्र से है तो जरूर अप्लाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।